नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा राहत कोष में अंशदान के लिए बिहार सरकार का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहार सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन में आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि आपदा राहत कोष के लिए प्रदान की है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सहायता राशि प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह सहायता राशि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को मदद प्रदान करने में कारगर साबित होगी। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं एवं समाज के सभी वर्गों से इस कोष में उदारता से अंशदान का आग्रह किया है ताकि प्रभावित लोगों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जा सके। तो बिहार सरकार से मदद मिली है, आपदा राहत कोष में अंशदान किया है बिहार सरकार ने, तो सीएम सुक्खू ने बिहार सरकार का आभार भी जताया है। बता दें कि बिहार की तरफ से 5 करोड़ रुपए का अंशदान दिया गया है। तो हिमाचल में इस कुदरती आफत ने बहुत कहर बरपाया है। इस प्राकृतिक आपदा में बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों के घर टूट गए हैं, भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हैं, बेहद जान और माल का नुकसान हुआ है। सो उसी से उभरने के लिए बिहार सरकार ने अपना कदम आगे बढ़ाया है। बिहार सरकार की तरफ से 5 करोड़ का अंशदान दिया गया है, तो इसका सीएम सुक्खू की तरफ से आभार भी व्यक्त किया गया। तो राहत कोष में अंशदान किया गया है, 5 करोड़ रुपए की राशि बिहार सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश को दी गई है। तो सीएम सुक्खू ने बिहार सरकार का आभार जताया है, बिहार की तरफ से 5 करोड़ रुपए का अंशदान मिला है। तो बता दें कि लगातार हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग की जा रही है। सीएम सुक्खू की तरफ से भी इसके बारे में बोला गया था। तो बीते दिन प्रियंका गांधी भी यहां पर पहुंची थी। उन्होंने भी कहा था कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी, चिट्ठी लिखेंगी कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए, लेकिन इसी बीच बिहार सरकार की तरफ से यह मदद दी गई है। तो कामेश्वर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो कामेश्वर, बिहार सरकार की तरफ से यह मदद की गई है, अंशदान किया गया, 5 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, क्या कुछ खबर है और क्या कुछ और जानकारी है इसके बारे में? बिल्कुल, जिस तरीके से यदि बात की जाए, जो 23 जून से लगातार तो हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई, ऐसे में जो प्रदेश में 10,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। लगभग प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले स्पष्ट रूप से कहा है कि लगभग 12,000 करोड़ से अधिक का ये नुकसान हो चुका है और ये अधिक जाने की भी उम्मीद है। वैसे में अगर देखा जाए, जिस तरीके से अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने 5 करोड़ दिए है, वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहार मुख्यमंत्री का तय दिल से धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह जो धनराशि है, जिन लोगों ने अपने घर खोए, यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश में लगभग 5,000 से अधिक जो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, वहीं आंशिक रूप से 1,150 से अधिक घर है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, कुल मिलाकर देखा जाए तो 14,000 के लगभग जो घर है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। ऐसे में यदि बात की जाए हरियाणा सरकार की या फिर अन्य राज्य भी लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो राहत कोष है उसमें अंशदान दे रहे हैं ताकि जो हिमाचल प्रदेश जो पटरी है वो लाइन में आ सके, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी भी कुछ एक सड़क मार्ग ऐसे है जो कि अभी भी उनकी खस्ता हालत है। अगर हम बात करें किन्नौर की, तो जिस तरीके से निगलसराय के पास जो लैंडस्लाइड हुआ जिसके कारण लोगों खासकर बागवानों को भी सेब लाने ले जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, ऐसे में जो स्थिति है फिलहाल अत्यधिक दयनीय बनी है। वही नेशनल हाईवे की बात की जाए, चंडीगढ़ शिमला या चंडीगढ़ मनाली, लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लेकिन एनएचआई ने जिस तरीके से 90 डिग्री वहां पर कटिंग किए उसके कारण भी जो सड़क मार्ग है अभी भी बाद में, भले ही हिमाचल प्रदेश में अभी जो वर्षा है थम चुके, लेकिन जो नुकसान है जिस तरीके से पेड़ अभी गिर रहे हैं उससे भवनों को नुकसान हो रहा है, सड़कें गिर रही हैं, लेकिन जो सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर
सचिन सुक्कू ने जो अभी हाल ही में जिस तरीके से G20 सम्मेलन था वहां भी उन्होंने अन्य मुख्यमंत्री जो अन्य राज्य की मुख्यमंत्री है उनसे भी मुलाकात की, उनसे भी आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है अत्यधिक दयनीय बनी है, ऐसे में जितना हो सके तो हिमाचल प्रदेश की मदद की जाए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी G20 के सम्मेलन के दौरान। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है वो अत्यधिक नुकसान हुआ क्योंकि इसमें 52 वर्षों का इस बार रिकॉर्ड टूटा है। जिस तरीके से अगर हम रेल की बात की जाए तो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में G20 सम्मेलन के पश्चात भले ही हिमाचल प्रदेश में पर्यटक भारी तादाद में आ रहे लेकिन उन्हें जो इंतजार है वो टॉय ट्रेन का है, टॉय ट्रेन इस समय नहीं चल पा रही है। अभी भी जो रेल मार्ग का कार्य है लगभग 40% हुआ है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही लगभग 1.5 माह और लग सकता है, 1.5 से 2 महीने भी लग सकते हैं क्योंकि जिस तरीके जो पटरी है वहां पर विशाल डंगा लगाया जाएगा क्योंकि वहां पर अत्यधिक लैंडस्लाइड हुआ क्योंकि वहां की जो धरती है वो एक तरफ से उसमें जो दरारें अत्यधिक पड़ चुकी है, ऐसे में जो प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि वहां पर भविष्य में इस तरीके हादसा ना हो तो ऐसे में वहां पर जो डंगा लगाने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है लेकिन इसमें हो सकता है 2 माह का समय लगे। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे चाहे लाहौल स्पीति चंबा या जो पर्यटक नगरी की कहा जाए तो मनाली कुल्लू डलहौजी शिमला, तो इन क्षेत्रों में भी कुछ एक क्षेत्र ऐसे जहां पर सड़क मार्ग अभी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी भी जो 16 सितंबर तक है खासकर भवनों के निर्माण के लिए भी रोक लगा दी गई थी लेकिन जो आवश्यक कार्य खासकर जिस तरीके सड़कों की बात करें या फिर जैसे कि सरकारी इमारतों की बात करें उनका जो कार्य है युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को रोजाना चाहे संघ की बात करें, कांगड़ा बैंक की बात करें, कोऑपरेटिव बैंक करें, एनजीओ की बात की जाए या समाज सेवकों की बात करें, लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को राहत कोष में रोजाना पैसे दिए जा रहे। जी जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने।